यशोदा मैया हंस के बोली, अरे कहाँ बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ, मेरो ब्याह करा दो, 3.5 बरस को भयो अभी। और यूं करो मैया, अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात तन्ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगो, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी है यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के, ढूंढ के जो तुमको बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सोई ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद से उठ गए, गोपी इनके घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई जात ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जे तो कानी है या की तो आंख ही ना है। अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जे तो तेज लगे मुंह को तो घर से निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रो मैं। ऐसी सब गोपी इनके आगे घूम रहे, वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है बाकी। लाला सब गोपी इनके घूंघट उठा उठा के देख रहा, और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं वो माखन खाऊंगा जो चप चप खाए करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान कियो, सब युवा गोपी देखती रहे और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे।